आज से जो है हम लोग इसरो के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे का डिस्कशन करेंगे। और यह वीडियो जो है आपको तकरीबन 7 बजे शाम के आसपास जो है मिल जाएगा, और इसका टाइम जो है यही रहेगा, यानी हर रोज जो है आपको शाम को 7 बजे वीडियो जो है उपलब्ध हो जाएंगे। आप तो जैसे कि देख सकते हैं, मैं जो है इसरो का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है इसका PDF जो है ओपन करके रखा है, तो ये आप देख सकते हैं। ये जो है टेक्नीशियन बी फिटर का पेपर है, जो कि आप यहाँ डेट देख सकते हैं 2/6/2019 में जो है इसका एग्जाम, यानी लेटेस्ट है, और इसके बाद से तो कोई एग्जाम हुए ही नहीं है। और इस प्रकार से जितने भी पेपर है, यानी तकरीबन मैं 25 से 30 पेपर का डिस्कशन कराने वाला हूँ, और अगर आप इसका PDF लेना चाहेंगे तो इसका भी लिंक जो है नीचे 1 से 2 दिन में डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा, क्योंकि अभी जो है सारे का आंसर पेपर मैं तैयार नहीं कर पाया हूँ। तो जब आंसर सारे का तैयार कर लूंगा तो उसका आंसर सहित जो आपको मिल जाएंगे। और लैंग्वेज की में बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे, तो उसके लिए आपको सोचने वाली कोई बात नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हैं जो कुल ये जो कुल जो प्रश्न होंगे कुल 80 प्रश्न होंगे, यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो क्वेश्चन की प्रश्नों की संख्या होती है वह 80 होती है, और इसके लिए जो अंक दिया जाता है वो कुल मार्क्स जो है 320 दिया जाता है। तो जितने भी अभी हाल में जो एग्जाम होने वाले हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर या फिर विक्रम साराभाई सेक हो गया या फिर जो है URR सेटेलाइट सेंटर हो गया, तो सभी के लिए उपयोगी है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर से ही ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, और जितने भी अगर आप जैसे अभी आप सेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं। तो इसका PDF जो है लेके आप जरूर तैयारी करें, और साथ में मैं इसका डिस्कशन भी दे रहा हूँ और आंसर पेपर के साथ दे रहा हूँ, तो सोचने वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंह चक्र के प्रसाधन का संदर्भ किससे है, यानी डॉट डॉट से है आपको बताना है। इंग्लिश देख लेते हैं, आपको हिंदी लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगा क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज जो हिंदी होते हैं वो आप काफी लोगों को समझ में नहीं आता, तो हिंदी इंग्लिश दोनों है, तो आपको सोचने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तथा का ड्रेसिंग ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील रेफर टू, यानी जो है सिंह चक्र का प्रसाधन का संदर्भ किससे है, यानी जो हम ड्रेसिंग करते हैं ग्राइंडिंग व्हील में वो किस लिए करते हैं आपको ये बताना है। क्या चक्र का कर्तन कार्य विधि पुनर्स्थापन के लिए, यानी रिस्टोरिंग द कटिंग एक्शन ऑफ द व्हील सेकंड में मिल जाता है, शेपिंग ऑफ द व्हील क्या जो है व्हील का आकृति बनाने के लिए, उसके बाद फिर आपको सी में मिलता है मेकिंग द व्हील कंसेंट्रिक विथ द एक्सिस, या फिर डी में मिलता है चेंजिंग द व्हील क्या जो है चक्र को चेंज करने के लिए। तो देखिए जब हमारा ग्राइंडिंग व्हील जो है यूज होता है, यूज होने के बाद क्या होता है कि उसकी उसमें जो जितने भी एब्रेसिव कण होते हैं, यानी जो कटिंग एज होते हैं, आप कटिंग एज समझिए, इसमें जो कटिंग एज लगे होते हैं वो कटिंग एज क्या होता है वो घिस जाते हैं, और घिस जाने के बाद जो है चिकना हो जाता है। तो इन्हें उभारने के लिए जो किया जाता है, यानी इसको पुनः स्थापित करने के लिए जो प्रक्रिया क्या किया जाता है उसे ही ड्रेसिंग कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, ड्रेसिंग कहता है, यानी जब वो उसके जो है कटिंग एज जो है खराब हो जाते हैं या फिर घिस जाते हैं, स्मूथ चिकना हो जाता है, तो इसके लिए जो हम ड्रेसिंग करते हैं, यानी जो है कटिंग एज को पुनः स्थापन के लिए जो है ड्रेसिंग की प्रक्रिया करते थे। ऑप्शन ए में मिल जाता है चक्र की कर्तन कार्यविधि को पुनः स्थापन करना, यानी रिस्टोरिंग द कटिंग एक्शन ऑफ द व्हील। तो ये चीजें जो है क्लियर होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दूसरे नंबर का प्रश्न है, प्रवेधित छिद्र के द्वार पर एक बोल्ट शीर्ष के लिए चपटा तल बनाने की प्रक्रिया क्या है। तो हिंदी आपको समझ में आया, इंग्लिश देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ए प्रोड्यूसिंग ए फ्लैट शीट फॉर ए बोल्ट हेड एट द ओपनिंग ऑफ ए ड्रिलेड हॉलेज, यानी आपको बताना है कि मतलब जो है ड्रिल के बाद जो है उसके द्वार पे जो एक एक बोल्ट शीर्ष के लिए चपटा तल बनाते हैं, यानी चपटा तल बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं जहां हम बोल्ट वगैरह को फिक्स करते हैं, तो इसके लिए जो प्रक्रिया करते हैं और उसे जो हम कहते हैं उसे स्पॉट फेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पॉट फेसिंग। और काउंटर बोरिंग का प्रयोग वहां करते हैं जहां से हमको होल को कुछ बड़े साइज में करना हो, और रिमिंग के लिए जो होल को फिनिश करने के लिए करते हैं, और काउंटर सिंकिंग का जो है आगे से हल्का सा जो बेवेल कर दिया जाता है तो उसे हम जो है काउंटर सिंकिंग कहते हैं। तो ये चारों ऑप्शन जो आपका क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न है,
आकार की अधिकतम और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, यानी डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज इज नॉइज। यानी आपको बताना है आकार का अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा, यानी कि ये हमारा बेसिक लाइन है, जीरो रेखा है, और यह अधिकतम सीमा है और यह जो है न्यूनतम सीमा है। तो इन दोनों के बीच के जो अंतर है, इन दोनों के बीच के अंतर को जो क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे टॉलरेंस कहा जाता है। यानी आकार की अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के अंतर को क्या कहा जाता है, टॉलरेंस कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 28 प्लस माइनस 0.5 एम के रूप में अभिहित छिद्र के लिए सहिष्णुता है, यानी 4A होल डिजाइनेड एज 28 प्लस माइनस 0.5 mm द टॉलरेंस। तो यहाँ जो है बेसिक साइज पे जो ये छूट दिया गया है, यानी जो है टॉलरेंस दिया गया है, जो कि माइनस में 0.5 और प्लस में भी 0.5 है। तो इसके लिए जो है टॉलरेंस पूछा कि टॉलरेंस क्या होगा। तो जैसे कि पता है कि जब माइनस और प्लस में दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ टॉलरेंस को जोड़ देते हैं, यानी जो दिया है माइनस वाला भी जोड़ देते हैं और प्लस वाला भी। तो 0.5 जो है हो जाएगा लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0.5। तो अब जब इसको हम ऐड करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 1.0, यानी 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए होल आधारित प्रणाली में होल एच के लिए निम्न विचलन है, यानी इन ए होल बेसिक सिस्टम द लोअर डेविएशन फॉर द होल एच इज। तो पूछा जा रहा है कि होल आधारित प्रणाली होल बेसिक सिस्टम में जो है हॉल एच के लिए निम्न विचलन कितना होता है। तो जैसे मतलब जैसे कि हॉल बेसिक सिस्टम है तो वहाँ जो निम्न विचलन रखते हैं उसके लिए क्या, शून्य रखते हैं, और शाफ्ट बेसिक सिस्टम में क्या, शाफ्ट का विचलन जो है वहाँ शून्य रखते हैं। हॉल बेसिक्स में याद रहे, हॉल बेसिक्स में क्या, होल का विचलन शून्य रखते हैं, और शाफ्ट बेसिक सिस्टम में जो है शाफ्ट का विचलन शून्य रखते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ जो पूछा गया है हॉल बेसिक सिस्टम में, तो हॉल बेसिक सिस्टम में जो है शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वेल्ड की सनलाइन की गहराई को क्या कहते हैं, द डेप्थ ऑफ फ्यूजन ऑफ वेल इज नॉइज। यानी पूछा जा रहा है कि वेल की जो सनलाइन की जो गहराई होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसे जो है व्यापन यानी पेनिट्रेशन कहते हैं। आपको अगर जी हिंदी में दिक्कत हो रहा है तो साथ में इंग्लिश भी दिया गया है, क्योंकि काफ़ी जो है लैंग्वेज हिंदी के समझ में नहीं आएंगे तो आप इंग्लिश में ध्यान देंगे, तो इसे जो है पेनिट्रेशन कहा जाता है। अगला यहाँ मैथ के क्वेश्चन आते हैं, वैसे मैं यहाँ सिर्फ जो है टेक्निकल क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाला हूँ, तो आप इसको सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का जो है फल क्या है, यानी सम ऑफ द फर्स्ट ऑफ ए नेचुरल नंबर। तो इसके लिए जो एक फार्मूला होता है, आप ध्यान में एन इंटू हो जाता है एन प्लस वन, मैं यहाँ माउस से कर रहा हूँ तो अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाना, और फिर आपका हो जाता है, और यहाँ जो है फिर बटे में जो है टू हो जाता है, इतना एन आप याद कर लेंगे, n इंटू एन प्लस वन बटे में टू। तो यहाँ जो है n नेचुरल नंबर जो कितना 10 दिया हुआ है, 10 करेंगे और n प्लस वन 10, यानी कितना हो जाएगा इंटू में 11 हो जाएगा और बटा में 2 हो जाएगा। तो इसे आप जब सिंपली कट करेंगे तो ये आपका जो है 55 निकल के आ जाएगा। तो ये जो 55 आपको ऑप्शन ए में मिल जाता है, तो आप इसे सिंपली जो इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बेलनाकार बाह्य पृष्ठ पर एक उपकरण को दबाने और उसे उत्पन्न चित्रण को क्या कहा जाता है। इंग्लिश देख लेते हैं, द ऑपरेशन ऑफ ए प्रोड्यूसिंग पैटर्न ऑफ द सिलेंड्रिकल एक्सटर्नल सरफेस बाय प्रिसीजिंग इज टूल इज नॉइज। यानी बताया जा रहा है कि एक बेलनाकार है, बेलनाकार वस्तु पे जो क्या कहते हैं कि एक चित्रण यानी दबाने पे, प्रेस करने पे जो एक चित्रण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे नर्लिंग कहते हैं। नर्लिंग जैसे कि मैं पिछले जी जब टॉप 20 MCQ का क्वेश्चन का डिस्कशन करा रहा था उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी बार आए हैं। तो नर्लिंग किस प्रोसेस करते हैं, हाथों की ग्रिपिंग के लिए। जैसे आपने कोई थंब स्क्रू देखा होगा, यानी थंब नट देखा होगा, तो थंब नट के ऊपर में जो है कुछ इस प्रकार से जो है ग्रिपिंग के लिए कुछ इस तरह से जो लाइनिंग कर दिए जाते हैं, यानी ताकि जो है मतलब हाथों में ग्रिपिंग अच्छी हो, पकड़ जो है मजबूत हो। तो ये जो इसको जो बनाया जाता है वो क्या करता है, यानी प्रेस करके, यानी फॉर्मिंग के रूप में इसे बनाया जाता है। प्रेस करके जो है इससे कोई मेटल जो नहीं कटता, मेटल नहीं होता है, तो उसे जब दबा देने के बाद जो उसके साइड के भाग जो उड़ जाते हैं उसे ही नर्लिंग कहते हैं। ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोटी रेती कर्तन फाइल की आकृति है, यानी द शेप ऑफ ए
रास्प कट फाइल, यानी आपको रास्प कट फाइल का शेप बताना कि उसका शेप कैसा होता है। तो रास्प कट फाइल का जो शेप होता है वह अर्धगोल होता है, यानी हाफ राउंड में होता है। और रही उसकी तीत की बात, तो उसकी जो तीत कटी होती है वो ट्रेंगुलर के आकार में इस प्रकार से कटी होती है। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और रास्प कट फाइल का जो हम लोग यूज करते हैं वो वुड वुड हो गया, या फिर लेदर हो गया, चमड़ा हो गया, इस सब का जो है फाइलिंग करने के लिए करते हैं, यानी जो सॉफ्ट मटेरियल का फाइलिंग करने के लिए हम जो है रास्प कट फाइल का प्रयोग करते हैं। तो उसका शेप पूछा गया था, हाफ राउंड हो जाएगा, और अगर इसकी तीत का शेप पूछे तो ये जो है ट्रेंगुलर आकार में होता है, जो कि मैंने बता दिया आपको। अगला प्रश्न है, साक्षी निशान बनाने के लिए इस छिद्र का प्रयोग किया जाता है, यानी द पंच इज यूज फॉर द मेकिंग ऑफ विटनेस मार्क, यानी विटनेस मार्क के लिए जो है कौन सा पंच का प्रयोग करते हैं। तो आपको पंच बताना है। तो देखिए, हमारा पंच का कार्य क्या होता है कि पंच का कार्य होता है कि ये कोई वर्क पीस है और इस पे जो है लाइनिंग इस प्रकार से मार्किंग की गई है। तो कभी होता है क्या कि मतलब मार्किंग मिटने की जो है संभावना होती है, नहीं डर होता है कि मार्किंग जो है मिट जाता है। तो मार्किंग को जो पक्का करने के लिए जो है इस पे जो है पंच द्वारा जो है कुछ दूरी पर जो है पंचिंग कर दिया जाता है, इस प्रकार से पंचिंग कर, इस प्रकार से क्या होता है कि लाइन जो हमारा वो पक्की हो जाती है। तो इसे इसे यही इसे जो है साक्षी पंच, यानी विटनेस मार्किंग के लिए जो है हम प्रिक पंच 60 डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो प्रिक पंच हमारे दो टाइप से होते हैं, ये भी चीज़ें क्लियर होना चाहिए। एक एक होता है हमारा 30 डिग्री प्रिक पंच, इसे दो भागों में बांटा गया, एक 30 डिग्री प्रिक पंच और एक को जो है 60 डिग्री प्रिक पंच। तो 30 डिग्री 60 डिग्री प्रिक पंच का जो प्रयोग करते हैं वो विटनेस मार्किंग के लिए करते हैं, और 30 डिग्री प्रिक पंच का जो प्रयोग करते हैं वह डिवाइडर आदि को जो है मतलब स्तंभ देने के लिए करते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए। तो ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, यानी 60 प्रिक पंच, यानी 60 डिग्री का प्रिक पंच, यानी साक्षी निशान बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, 300 मिलीमीटर लंबाई में एक मानक लोहा काट आरे में 375 दांत है, ब्लेड सेट का वर्गीकरण और प्रकार, छोटा कर लेते हैं, हाँ, वर्गीकरण और प्रकार क्या है। ए स्टैंडर्ड हेक्सा ब्लेड 300 mm लेंथ हैज 375 टीथ, व्हाट इज द ए क्लासिफिकेशन एंड टाइप ऑफ सेट ऑफ द ब्लेड, यानी बताया गया कि 300 मिलीमीटर लंबाई का एक मानक लोहा काट यानी आ रहे है, और उसमें उसमें जो है क्या है कि ब्लेड है और 375 दांत है। तो ब्लेड सेट का वर्गीकरण और प्रकार क्या है यानी आपको बताना है। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमारे जो कोर्स पीस ब्लेड में होते हैं वो 5 से 6 दांत पर जो है सेंटीमीटर होता है, पर 10 सेंटीमीटर पे होता है। और मीडियम मीडियम पीच ब्लेड में जो है वहाँ जो है 7 दांत जो है पर 10 सेंटीमीटर में होता है। और फिर जो है फाइन पिच ब्लेड में जो होता है, फाइन पिच ब्लेड में 10 दांत पर 10 सेंटीमीटर में होता है। और वही वेरी फाइन की बात करें, वेरी फाइन में जो हमारा दांते होती है वह होता है 12 टीथ पर 10 सेंटीमीटर पे होता है। तो यहाँ पूछा गया कि 300 mm की लंबाई में, तो सबसे पहले इसे आप जो है मिलीमीटर की लंबाई में मानक लोहा काट आरे में जो है 375 दांत है, तो ब्लेड में सेट का वर्गीकरण और प्रकार क्या है। सबसे पहले आप जो है इसे 10 से डिवाइड करने पर 30 आ जाएगा, 30 को आप जो है तीन सिंपली आप जो 375 में जब 30 को आप भाग देंगे तो 12 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो 12 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा जो है वेरी फाइन में जो है 12 टीथ पर 10 सेंटीमीटर पे आ रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, यानी यानी फाइन वेव सेट, यानी सूक्ष्म तरंगे सेट जो है डी, इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च वेग इस्पाती प्रवेधन D24 से फास्फर ब्रॉन्ज की एक कला वस्तु को काटने के लिए वेग RPM का पता लगाएं, फास्फोरस ब्रॉन्ज के लिए जो है HS का अधिकतम कर्तन वेग जो है 35 मीटर प्रति मिनट है। तो समझ में नहीं आया, चलिए इंग्लिश देखते हैं। फाइंड आउट द स्पीड सेटिंग RPM फॉर द हाई स्पीड स्टील ड्रिल डाया जो है 24 टू कट वर्क पीस ऑफ
फास्फोरस ब्रांच मैक्सिमम कटिंग स्पीड हाई स्पीड स्टील फोर फास्फोरस ब्रांच 35, यानी आपको जो है आरपीएम फाइंड आउट करना है। इसके लिए जो आपका डाया दिया गया हुआ 24 दिया गया है, और फिर आपका जो है कटिंग स्पीड दिया गया है 35 दिया गया है। तो इसके लिए सिंपली आप फार्मूला लगा देंगे, यानी जो आरपीएम बराबर फार्मूला होता है, यानी एन बराबर आरपीएम बराबर जो फार्मूला होता है वह होता है आपका कटिंग स्पीड इंटू 1000 और बटे में आपका हो जाता है पाई डी। अगर आप सिंपली ये फार्मूला लगा देंगे, जैसे कि आपका डाया दिया हुआ है और फिर आपका कटिंग स्पीड दिया हुआ है, लगाने के बाद जो आपका आंसर जो है 364 के आसपास आएगा, जो कि 364 आसपास यहाँ मिल जाता है, ए में मिल जाता है 400, तो इसका आंसर जो है 400 हो जाएगा। तो आप ऐसे सिंपली इसको फाइंड आउट कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, 60 डिग्री बिंदु कोण के एक साथ अगर छेनी का नीति कोण 39.5 डिग्री है तो स्पर्शी कोण कितना होगा, यानी व्हाट इज द क्लियरेंस एंगल इफ द एंगल ऑफ ए इंक्लिनेशन ऑफ द चीजल विथ पॉइंट एंगल 60 डिग्री इज 39.5 डिग्री। यानी आपको जो है क्लियरेंस एंगल बताना है, यानी बताया पूछा जा रहा है कि क्लियरेंस एंगल क्या होगा इंक्लिनेशन एंगल ऑफ चीजल विद पॉइंट एंगल। इंक्लिनेशन एंगल और जो चीजल का पॉइंट एंगल दिया, पॉइंट एंगल जो है दिया गया 60 डिग्री और जो इंक्लिनेशन एंगल दिया गया है वह 39.5 डिग्री दिया गया है, तो इसके बीच में क्लियरेंस एंगल क्या होगा। तो यहाँ मैं सिंपली ड्रॉ क्या चाहती हूँ, तो देखिए यहाँ इस वाले एंगल को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है रेक एंगल, और इसे कहा जाता है क्लियरेंस एंगल, और यहाँ जो चीजल के पॉइंट एंगल से मध्य से जो लिया आता है इसे कहा था इंक्लिनेशन एंगल, यानी जो है झुकाव कोण, इसे कहा क्या कहा जाता है इंक्लिनेशन एंगल, और इस वाले एंगल को जो है इस वाले एंगल को क्या कहा जाता है पॉइंट एंगल। तो हमारा जो पॉइंट एंगल दिया गया है, पॉइंट एंगल दिया गया है कितना 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री पॉइंट एंगल दिया गया है, इंक्लिनेशन एंगल जो दिया गया है वह दिया गया है 39.5 डिग्री, इतना दिया हुआ है। अब जो हमारा इंक्लिनेशन एंगल होता है वह जो है पॉइंट एंगल के, यहाँ देख सकते हैं पॉइंट एंगल के मध्य नहीं आधे से जो इसके बीच में जो इंक्लिनेशन एंगल होता है, तो हमारा हमारा पॉइंट मेरा जो सॉरी यहाँ जो पॉइंट एंगल हम लोगों का है, पॉइंट एंगल तो 60 डिग्री है, अगर 60 डिग्री पॉइंट एंगल है तो यहाँ से जो इसका आधा होगा, आधा कितना होगा वो तो 30 डिग्री होगा, जब 30 डिग्री होगा तो यहाँ एक्स्ट्रा मिल रहा है हमको कितना 9.5 मिल रहा है, तो 9.5 हमारा क्या बच जाता है वो क्लियरेंस एंगल, यानी जो क्लियरेंस एंगल बराबर हमारा हो जाएगा वो 9.5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद है कि जो है आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसके लिए जो है फिर मैं एक वीडियो बना दूंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चूज ए ड्रिलिंग मशीन फॉर द ड्रिलिंग मल्टीपल होल्स ऑफ ए लार्जर डायमीटर, यानी जो है लार्ज डायमीटर का जो है ड्रिलिंग करने के लिए हम किस प्रकार ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ जो हम लोग रेडियल ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं, तो ये चीज़ें जो है क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 100 से 125 मिलीमीटर प्रास की मीट्रिक बाहरी सूक्ष्मापी को एक छड़ का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, बैरल का असंकन जो है 16.5 दिखाया गया और बैरल का आधार लाइन रूप अगुलंतरण अंशांकन जो है 28 था, छर का व्यास कितना होगा। तो चलिए समझ में आया, इंग्लिश देख लेते हैं। ए मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर ऑफ रेंज ऑफ 100 to 125 बताया जा रहा है कि एक आउटसाइड माइक्रोमीटर है जिसका जो है मतलब रेंज है, यानी जो उसका मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो रेंज है वो रेंज दिया गया कितना दिया गया है 100 से लेकर जो है 125 दिया गया, यानी इसका यह रेंज दिया गया है। यूज ए मेजर द डायमीटर ऑफ रॉड ऑफ बैरल ग्रेजुएशन सो जो है 16.5 एंड द थिम्बल ग्रेजुएशन इन द विथ द बैरल डेटम लाइन इज ए वाट 28 वाट इज द डायमीटर ऑफ थ्रेड। यानी बताया जा रहा है कि एक जो है 100 से लेकर 125 मीटर तक का आउटसाइड माइक्रोमीटर है और इसका जो ग्रेजुएशन जो शो कर रहा है, यानी बैरल का जो ग्रेजुएशन शो कर रहा है वह कितना दे रहा है, वह जो है 16.5 या माप दे रहा है, और साथ में जो है थिम्बल का ग्रेजुएशन लाइन है वह 28वां जो है स्केल से 28वां बर्नियर स्केल से जो मैच कर रहा है। तो हमको जो है रॉड का जो है डायमीटर निकालना है कि रॉड का जो व्यास कितना होगा,
तो हम हमारा एक एक एमएसडी यानी एक मेन स्केल डिवीजन बराबर कितना होता है, 1 mm होता है, तो यह 16.5 हो जाएगा। और एक थंबनेल डिवीजन बराबर कितना होता है, वह होता है 0.01 mm होता है। और हमारा मेरा जो है थंबनेल डिवीजन बराबर कितना दिया है, 28 दिया है, तो यहाँ जो है गुनी क्या कर देंगे, 28 कर देंगे। तो यह जो निकल के आएगा, यह कितना निकल का है, यह निकल का आएगा 0.28। तो इसमें जब हम ऐड कर देंगे 0.28, तो यह आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 16, 16.0 जो है 78 आ जाएगा। तो आने के बाद जो हमारा जो नॉर्मल रेंज कितना है, जीरो रीडिंग्स का कितना है, 100 mm है। तो इसमें अगर 100 mm में ऐड कर देंगे तो यह हमारा निकल के आ जाएगा 116.78 mm, जो कि आंसर हो जाएगा। तो ये चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पितुआ लोहे में कार्बन की मात्रा क्या है? मैं आपको बता रहा कि पितुआ लोहे में जो है कार्बन की मात्रा वो कितनी होती है। तो पितुआ लोहे में कार्बन की मात्रा जो है 0.02 से लेकर 0.03% तक होता है, यानी ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। द हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील ऑफ ऑब्टेन सॉफ्टनेस इंप्रूव मशीनेबिलिटी इंक्रीज डक्टिलिटी द रिलीव इंटरनल स्ट्रेस एंड द रिफाइन द ग्रेन साइज इज कॉल्ड। यानी जो है हमको क्या करना है कि स्टील का जो है सॉफ्टनेस इंप्रूव करना है, मशीनेबिलिटी बढ़ाना है, और साथ में जो है इंक्रीज डक्टिलिटी बढ़ाना है, और रिलीव इंटरनल स्ट्रेस यानी आंतरिक तनाव को भी दूर करना है, और रिफाइन द ग्रेन साइज यानी ग्रेन साइज को भी रिफाइन करना है। तो इसके लिए जो हम प्रोसेस करते हैं वो कौन सा प्रोसेस करते हैं, वह अनिलिंग प्रोसेस करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समान ताप पर सदा कार्बन इस्पात में क्या होता है? तो समान ताप पर जो है सदा कार्बन इस्पात में होता है, क्या वह पेराइट और सीमेंटाइट होता है, फेराइट या फिर प्लेआइट होता है, या पेलेलाइट या फिर सीमेंटाइट होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी फेराइट और सीमेंटाइट एंड पियरलाइट, यानी ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक लेथ का कार्य पकड़ उपकरण नहीं है। यानी आपको बताना है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट वर्क होल्डिंग एसेसरीज ऑफ लेथ। यानी कौन सा जो है लेथ का जो वर्क होल्डिंग एसेसरीज यानी जो है वर्क होल्डिंग एसेसरीज नहीं है। तो क्या वह फेस प्लेट नहीं है, मैंड्रल नहीं है, कैच प्लेट नहीं है, या फिर जो है सेल्फ सेंट्रिक चक नहीं है। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड होल्डिंग एसेसरीज की, तो हमारा जो है फेस प्लेट वर्ल्ड होल्डिंग एसेसरी के अंतर्गत आता है, मेंड्रल भी आता है, और सेल्फ सेंटरिंग चक भी आता है, और ये कैच प्लेट जो है, कैच प्लेट हमारा जो है सपोर्टिंग डिवाइस के अंतर्गत, सॉरी सपोर्टिंग एसेसरीज के अंतर्गत आता है, ना कि यह जो है होल्डिंग एसेसरीज के अंतर्गत। तो आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है, आंसर निकल के आ रहा है कैच प्लेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द चिप जियोमेट्री व्हील द टर्निंग। यानी जो है टर्निंग के दौरान निम्नलिखित में से कौन जो है चिप को नियंत्रित करता है, क्या वह रिलीफ एंगल करता है, अप्रोच एंगल करता है, रेक एंगल करता है, या फिर क्लियरेंस एंगल करता है। तो हम जो है टर्निंग के दौरान जो है चिप को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग करते हैं, वह जो है रेक एंगल का प्रयोग करते हैं, यानी रेक एंगल जो है हमारा जो है चिप को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, आप यहाँ देख सकते हैं, ए फिट ऑफ ए डिजाइनेड एज जो है 30H7/G6 इज ए। यानी आपको बताना है कि यह जो दिया गया है रूप में अभिव्यक्त है, यह कौन सा फिट है, यह कौन सा फिट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें जो है क्या है, हमारा होल बड़ा है और शाफ्ट जो है छोटा है। जब हमारा होल का साइज जो है लार्ज होता है और शाफ्ट का साइज छोटा होता है, तो उस टाइम हमें जो प्राप्त होता है वह हमारा क्लियरेंस फिट प्राप्त होता है। और यही अगर हमारा शाफ्ट का साइज बड़ा हो जाए और होल का साइज छोटा हो जाए, उस टाइम जो प्राप्त होता है वह हमारा इंटरफेरेंस प्राप्त होता है। यहाँ हमारा होल का साइज जो है क्या है, बड़ा है, और शाफ्ट का साइज छोटा है, इसलिए हमें जो है यहाँ क्लियरेंस फिट प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ये जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर छिद्र की आकार इतना और कूपक की आकार इतना हो तो न्यूनतम व्यतिकरण क्या है। यानी इफ द होल साइज ऑफ एंड शाफ्ट साइज इतना द मिनिमम इंटरफेरेंस। तो मिनिमम इंटरफेरेंस पूछा गया है, तो जहाँ हमारा जो है शाफ्ट का साइज अगर बड़ा हो जाए और होल का साइज छोटा हो जाए, तो वहाँ जो है हमारा इंटरफेरेंस फिट जो है, व्यतिकरण फिट जो है प्राप्त होता है। तो
एंटीफ्रेंस व्यतिकरण फिट नहीं, यानी जो है न्यूनतम व्यतिकरण, यानी हाँ मिनिमम इंटरफेरेंस न्यूनतम व्यतिकरण जो है प्राप्त होता है। तो इसके लिए जो हम करते हैं, इसके लिए हम जो होल का साइज को जो है होल की साइज को जो है बड़ा करते हैं, और शाफ्ट को साइज शाफ्ट का जो साइज है उसको हम छोटा करते हैं। तो यहाँ हमारा जो होल का साइज है, होल का साइज दिया गया है, यानी जो जो बड़ा है ये है, और शाफ्ट का जो मिनिमम साइज यानी जो छोटा साइज दिया गया है ये है। और सिंपली अगर इसमें हम माइनस कर दें, यानी होल का जो है बड़ा साइज शाफ्ट का छोटा साइज माइनस करने के बाद जो हमें ऑप्शन बी प्राप्त होता है, जो यह हो जाएगा न्यूनतम व्यतिकरण। ये चीजें जो है क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गैस कर्तन प्रचालन में उत्पन्न कर्तन की चौड़ाई को कहा जाता है, यानी द विड्थ ऑफ कट प्रोड्यूस इन गैस कटिंग ऑपरेशन इज नॉइज। यानी गैस कर्तन प्रचालन में उत्पन्न कर्तन की चौड़ाई को क्या कहा था, तो उसे कोर कहा जाता है, यानी ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। वेल्डिंग परिणामित्र को डॉट 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 में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी ए वेल्डिंग ट्रांसफर इज यूज्ड ऑफ ए कन्वर्टर। जो हमारा वेल्डिंग ट्रांसफर होता है वह जो है कौन सी सप्लाई को कौन सी सप्लाई में बदलता है, ये पूछा गया। क्या वह डीसी मेन सप्लाई इंटू एन एसी वेल्डिंग सप्लाई, डीसी मेन सप्लाई को एसी सप्लाई में बदलता है, या फिर एसी सप्लाई को डीसी वेल्डिंग सप्लाई में बदलता है, या एसी मेन सप्लाई को जो है एसी वेल्डिंग सप्लाई में बदलता है, या फिर डी में मिल जाएगा डीसी मेन सप्लाई को जो है एसी वेल्डिंग सप्लाई में बदलता है। तो हमारा जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है वह वेल्डिंग ट्रांसफार्मर एसी मेन सप्लाई को जो है एसी मेन सप्लाई को जो है वेल्डिंग सप्लाई में बदलता है, यानी ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, यानी जो है एसी मुख्य सप्लाई को एसी वेल्डिंग सप्लाई में बदलता है, तो ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। फाइल का संकीर्ण एवं पतला भाग जिसे हत्थे में हत्थे के साथ जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, यानी फाइल का जो है वो कौन सा पतला भाग है जिसे कि हत्थे में जो है थी जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है हम टैंक कहते हैं, और यही फाइल का वह भाग होता है जिसको हार्ड एंड टेम्पर्ड जो है नहीं किया जाता है। तो ये चीजें जो है क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न है। फाइल निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग कठोरीकृत एवं पायित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इन फाइल इज नॉट हार्डेंड एंड द टेम्पर्ड। नहीं, जैसे कि मैंने पीछे बता दिया कि इसमें पूछा गया है कि कौन सा पार्ट है जो फाइल का उसे हार्ड और टेम्पर्ड नहीं किया जाता है, तो जैसे कि पीछे बताया मैंने टैंक को हार्ड और टेम्पर्ड नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से परोक्ष कोण मापन उपकरण का उदाहरण कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंड द एग्जाम्पल ऑफ द इनडायरेक्ट एंगल मेजरिंग टूल। यानी ऐसा कौन सा उपकरण है जिसके द्वारा हम जो है इनडायरेक्ट मेजरिंग कर सकते हैं, यानी तो हमारा जो मेजरिंग मापन विधि होता है तीन प्रकार से होता है, जैसे कि एक एक होता है डायरेक्ट मेजरिंग जिसे हम प्रत्यक्ष माप कहते हैं, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेजरिंग जिसे अप्रत्यक्ष माप कहते हैं, और तीसरा होता है हमारा कंपरेटिव मेजरिंग जिसे हम की तुलनात्मक माप कहते हैं। तो यहाँ पूछा गया कि हमारा कौन सा जो है इनडायरेक्ट मेजरिंग के अंतर्गत आता है, तो इनडायरेक्ट मेजरिंग के अंतर्गत हमारा जो आता है वह बेवेल गेज आता है, क्योंकि बेवेल गेज जो है वह सिर्फ जो है चेकिंग कर सकता है, वह माप नहीं सकता है, तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। हाँ, इन अनियमित सिक्कों को उछाला जाता है, अधिकतम दो चित मिलने की संभावना कितनी है। तो ये मैथ के क्वेश्चन है, तो इसका सिंपली आप आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3/8 होगा, तो इसको आप जो है निकाल लेंगे। अगला प्रश्न है। सर्पिल खाचा जो प्रवेधन की लंबाई तक उसको कहा जाता है, यानी सर्पिल खाचा जो प्रवेधन की लंबाई तक जाए उसे क्या कहा जाता है। द स्पाइरल ग्रुप्स विच रन ऑफ द लेंथ ऑफ द ड्रिल आर नॉइज। यानी बताया जा रहा है कि जो ड्रिल के बॉडी में जो एक सर्पिल आकार का, यानी जो है स्पाइरल टाइप का जो कटा होता है उसे क्या कहते हैं, तो सर्पिल खाचा जो कटा होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लूट्स कहते हैं। इसके द्वारा जो है हमारे कटिंग एज भी बनते हैं, और जो है चिप्स वगैरह को निकलने में आसानी होता है, और इसके माध्यम से जो है जो है कूलेंट वगैरह भी आसानी से पॉइंट तक पहुंचा सकते हैं। तो ये चीजें जो है क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में डॉट डॉट वह कर्तन तेले जो सूक्ष्म पोषण में उपारोध को रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग कटिंग ऑयल इज यूज्ड द प्रिवेंट कूलिंग इन द फाइन ग्राइंडिंग।
यानी जो है फैन ग्राइंडिंग के लिए जो हम कूलेंट का प्रयोग करते हैं उसके लिए कौन सा प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो सोल्यूबल ऑयल का, और अधिकतर जो है हम लोग जो है सोल्यूबल ऑयल यानी विलेज तेल का ही प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द ए फ्लोइंग चीजल इज यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल ऑफ द ए कॉर्नर्स, निम्नलिखित में से वह छेनी जिसे कोने पर पदार्थ को वर्गन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी पूछा गया कि कोने से जो है मतलब जो है मेटल को हटाने के लिए, पदार्थ को हटाने के लिए किस प्रकार चीजल का प्रयोग करेंगे। यानी आप सिंपली इस प्रकार से समझिए, ये हमारा कुछ इस प्रकार से वर्कपीस है, इस प्रकार से वर्कपीस से, और यहाँ से जो है मेटल को रिमूव करना है, यानी कॉर्नर से यहाँ से मेटल को रिमूव करना है। तो इसके लिए जो है किसका प्रयोग करेंगे, क्या वह फ्लैट चीजल का करेंगे, वेब चीजल का करेंगे, या फिर जो है क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करेंगे। तो वहाँ जो हम डायमंड पॉइंट चीजल यानी हीरक बिंदु छेनी, इसका जो है हिंदी लैंग्वेज कुछ अलग ही होता है, तो डायमंड पॉइंट चीजल का जो है प्रयोग करेंगे, तो जो है सी जो है सही हो जाएगा। आप जो है हल्का सा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ माउस से ड्रॉ कर रहा तो उतनी अच्छी जो है मतलब कोई चीज़ें ठीक से लिख नहीं पाता हूँ, तो आप जो है इसको समझेंगे। तो अगला प्रश्न है, एक प्रवेदन बीट में छेनी कोर और कर्तन ओस्ट के बीच का कौन डॉट डॉट है, यानी इन ए ड्रिल बीट द एंगल बिटवीन द चिजल एज एंड द कटिंग लिप इज नॉइज, यानी कहा गया है यानी कोर और जो कर्तन ओस्ट के बीच का कौन जो होता है उसे क्या कहते हैं। तो कोर और जो है कर्तन उसके बीच की कोण को कहते हैं वेब एंगल कहते हैं, यानी जो है ऑप्शन हो जाएगा ए, ये जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, ए डिग्री डॉट डॉट होते हैं, एक डिग्री में डॉट डॉट होते हैं, तो 1 डिग्री इज यानी 1 डिग्री बराबर क्या होता है। जैसे कि पता है कि हमारा जो है 1 डिग्री बराबर होता है, 1 डिग्री बराबर हुआ कितना होता है, वह 60 मिनट होता है, तो ये चीजें जो है क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न, एक शंकु का आयतन, तो आप जो है इसका इसको जो है मैथ की क्वेश्चन है, आप इसे सिंपली फाइंड आउट कर लेंगे, बना लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसका आंसर जो है नीचे पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, जब आप पीडीएफ को लेंगे तो वहाँ जो है नीचे सारे के जो है आंसर पेपर भी दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, मशीन उपकरण में अग्रक पेच में प्रयुक्त चूड़ी का प्रकार है, द टाइप ऑफ थ्रेड यूज द लीड स्क्रू ऑफ द मशीन टूल्स इज, यानी आपको बताना है कि जो लीड स्क्रू में जो थ्रेड कटे होते हैं वो कौन सा थ्रेड कटे होते हैं, यानी लेथ के जो लीड स्क्रू में थ्रेड कटे होते हैं वो कौन सा कटे होते हैं, क्या हुआ जो है बटरस थ्रेड कटे होते हैं, या फिर सॉ टूथ थ्रेड, या फिर बी में मिलता है आपको भी थ्रेड, या फिर डी में मिल जाता है ट्रेपोजेडियल थ्रेड। तो देखिए हमारा जो लीड स्क्रू में जो थ्रेड कटे हुआ वह जो है एकमी कटा होता है, कौन कटा होता है, वह जो है एकमी कटा होता है, तो एकमी थ्रेड जो है हमारे समलम चूड़ी के अंतर्गत ट्रेपोजेडियल थ्रेड के अंतर्गत आता है, तो आप ऑप्शन डी की ओर जा सकते हैं, तो ऑप्शन डी जो है यह सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम टेप द्वितीय टेप तथा तैलीय टेप में अंतर क्या है, तो देखिए यहाँ जो है द फर्स्ट टेप सेकेंड टेप बॉटमिंग टेप डिफरेंट इन देयर, किस प्रकार से यह जो है अलग है, तो ये जो है टेपर लीड के अनुसार जो है अलग होते हैं, आपका जो फर्स्ट टेप हो गया सेकंड टेप और बॉटमिंग टेप जो है टेपर लीड के अनुसार जो है अलग होते हैं, तो ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मत्स्य फाइल कहा जाता है, यानी आपको बताना है कि किनमें मत्स्य फाइल कहा जाता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नो एज ए फिश बैक फाइल, यानी किसे मत्स्य फाइल कहा जाता है, तो वहाँ जो टिंकर फाइल को जो है मत्स्य फाइल भी बोल सकते हैं, इसका जो दूसरा नाम है टिंकर फाइल तो वह क्या है मत्स्य फाइल यानी जो है फिश फाइल, इसको फिश बैक फाइल कह सकते हैं। अगला है, चादरी धातु कार्मिक की निहाई को कहा जाता है, यानी ए शीट मेटल वर्क इज ए एनविल इज नॉइज, यानी जो है शीट मेटल वर्क के लिए जो हम एनविल का यूज करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे स्टेक कहा जाता है, तो ये चीजें जो क्लियर होना चाहिए, हिंदी में दिया गया खूंटा तो स्टेक इसे कहा जाता है। चलिए निम्नलिखित में डॉट 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 के उच्च निर्वात कोष्ठ में क्या जाता है,
विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग इज डन इन हाई वैक्यूम चेंबर, मैं आपको बताना है कि कौन सा वेल्डिंग जो है हाई वैक्यूम चेंबर यानी जो निर्वात जो हैवी निर्वात में किया जाता है, यानी जहाँ बहुत ज़्यादा अधिक निर्वात हो वहाँ ऐसा कौन सा वेल्डिंग है जिसे किया जाता है। क्या वह जो है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग किया जाता है, आग वेल्डिंग किया जाता है, लेजर वेल्डिंग क्या आता है या टिक वेल्डिंग क्या आता है। तो हम जो है हाई वैक्यूम चेंबर में जो वेल्डन करते हैं वहाँ करते हैं इलेक्ट्रॉन पुंज वेल्डन यानी इलेक्ट्रिक बीम वेल्डिंग। तो ये चीज़ें क्लियर होना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि निर्वात में जो है हम इलेक्ट्रिक बीम वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। अगला है, कर्तन कोर पर कर्तन बिंदु के शीर्ष फलक तथा सामान्य 90 डिग्री कार्य सतह के बीच का कोण क्या है, यानी ए एंगल बिटवीन द टॉप फेस ऑफ कटिंग पॉइंट एंड नॉर्मल 90 डिग्री द वर्क वर्क सरफेस एट द कटिंग एज। यानी ये हमारा कोई कटिंग टूल है, आप ऐसे समझिए ये हमारा कोई कटिंग टूल है। तो कटिंग टूल यहाँ जो ये जो लंब के रूप में ये जो 90 डिग्री है इसके और सतह के बीच में जो ये कोण बनता है इस कोण को क्या कहा जाता है। जैसे कि मैंने पीछे क्लियर करा इसे क्या कहा जाता है, इसे रेक कोण कहा जाता है। यहाँ से आपका यहाँ से ले लें ये हमारा जो है इंक्लिनेशन एंगल झुकाव कहता है और ये जो हमारा क्लियरेंस एंगल और इसे जो कहते हैं इसे पूरे को जो कहते हैं इसे वेज कोण यानी पॉइंट एंगल कहा जाता है। तो यहाँ आपसे रेक एंगल के बारे में पूछा गया तो ये जो है ऑप्शन यही सही हो जाएगा, रेक कोण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, औजार चेटर डॉट 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 के कारण होता है, टूल चेटर इज केस्ट बाय, क्या पूछा गया है, औजार चेटर चेटर। अच्छा तो ये आपसे पूछा गया कि जो टूल जो है वर्क पीस से रगड़ क्यों खाते हैं, यहाँ जो कोई वर्क पीस है और कोई टूल है और ये जो है वर्क पीस से रगड़ क्यों खाते हैं। क्या स्मॉलर क्लियरेंस एंगल, उसके बाद फिर बी में मिल जाता है एक्सेसिव क्लियरेंस एंगल, या फिर सी में मिलता है हाई रैंक एंगल और डी में मिलता है स्मॉलर रैंक एंगल। तो हमारा जो टूल वर्क पीस से रगड़ खाता है वो किसके कारण खाता है, जब हम वहाँ जो है न्यूनतम रैंक एंगल देंगे तो वहाँ जो हमारा टूल जो है बॉडी से रगड़ खाएगा। जैसे कि क्लियरेंस एंगल हमारा ये होता है, अगर हम ये कम दे देंगे तो हमारा जो है टूल कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और ये जो हमारा वर्क पीस से रगड़ खाएगा। तो ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च कार्बन इस्पातों में मशीनिंग करने के लिए उक्त औजारों का प्रयोग किया जाता है, यानी जो है हाई कार्बन स्टील आर मशीनेड यूजिंग टूल हैविंग, यानी जो है हाई कार्बन इस्पातों को जो मशीनिंग करने के लिए किस प्रकार औजारों का प्रयोग किया जाता है। माफ कीजिएगा, यहाँ यहाँ जो है स्मॉलर रेक एंगल दिया गया, आपका स्मॉलर जो है क्लियरेंस एंगल होगा, यानी क्लियरेंस एंगल हम इसलिए देते हैं कि हमारा जो है टूल बॉडी से रगड़ ना खाए, तो उसके लिए हम यहाँ जो इसे कहा जाता है क्लियरेंस एंगल, तो यहाँ हम जो क्लियरेंस एंगल देते हैं, ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, हमने आपको डी बताया था। चलिए अगला प्रश्न था हमारा कि उच्च कार्बन इस्पात के मशीनिंग करने के लिए जो है डॉट डॉट युक्त औजारों का प्रयोग करते हैं, तो उच्च कार्बन इस्पात के लिए जो मशीनिंग करना उसके लिए किस प्रकार का हम औजारों का प्रयोग किस प्रकार जो है उसमें एंगल देंगे, तो वहाँ जो है हम ऋणात्मक रेक एंगल देंगे, यानी हाई कार्बन स्टील का जब मशीनिंग करना है तो हम ऋणात्मक जो है रेक एंगल देंगे। चलिए चीज़ें क्लियर है, आपको 43 में मैथ का क्वेश्चन मिल जाते हैं, आप इसे सिंपली फाइंड आउट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, अगर मृदु इस्पात की अभिस्थापित कर्तन वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है और फिर 20 मिलीमीटर प्रवेधन बीट के लिए जो है अपेक्षित घूर्णन वेग क्या होगा, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे जो है आरपीएम पूछा गया है, तो आप सिंपली आरपीएम को जो है फाइंड आउट कर लेंगे। आरपीएम ने घूर्णन वेग यानी कटिंग स्पीड पूछा गया है, तो आपका जो कटिंग स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने पीछे बताया, तो आप इसको सिंपली जो है फाइंड आउट कर लेंगे, तो आपका जो हो जाएगा ये 320 आंसर आरपीएम निकल के आ जाएगा। चलिए साक्षी निशानों के लिए प्रयुक्त प्रिक पंच का कौन होता है, जैसे कि ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं तो आपको साक्षी निशान है जो विटनेस मार्किंग के लिए हम किसका 60 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। प्रिक पंच हमारा दो प्रकार से होता है, एक हमारा होता है 30 डिग्री का और दूसरा होता है कितना 60 डिग्री का, तो हम 60 डिग्री का प्रयोग करते हैं विटनेस मार्किंग के लिए और डिवाइडर डिवाइडर को स्थान देने के लिए हम 30 डिग्री का प्रयोग करते थे। ये दोनों चीज़ें क्लियर होना चाहिए। यहाँ आपसे पूछा गया कि साक्षी निशानों के लिए नहीं जो विटनेस मार्किंग के लिए 60 डिग्री का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, हेलिक्स एंगल इन ट्विस्ट ड्रिल डायमीटर द, तो ट्विस्ट ड्रिल का जो है हेलिक्स एंगल कौन निर्धारित करता है, तो ट्विस्ट ड्रिल का जो है हेलिक्स एंगल जो निर्धारित करता है वह हमारा कौन करता है, रेक एंगल करता है, यानी जो है ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, रेक
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फॉर ए टर्निंग ऑपरेशन इफ द स्पिंडल स्पीड 128 RPM एंड द डायमीटर ऑफ द रॉड 25 mm, व्हाट इज द कटिंग स्पीड। यानी आपसे जो है यहाँ क्या कटिंग स्पीड जो है पूछा गया है। तो कटिंग स्पीड बराबर जो फॉर्मूला होता है भी बराबर, सिंपली फॉर्मूला होता है भी बराबर पाए डी एन बटे 1000। तो ये फॉर्मूला था, आप सिंपली इस फॉर्मूला पे रखेंगे तो आपका जो है आंसर निकल के आ जाएगा लगभग कितना 10 मीटर प्रति मिनट आ जाएगा। यह फॉर्मूला भी बराबर पाई डी एन अपन 1000 जो है इस पे आप सेट कर लेंगे तो हो जाएगा। फॉर द टेपर टर्निंग एंड बोरिंग, यानी टेपर टर्निंग और सछिंद्रन के लिए क्या उपकरणों को केंद्र से नीचे सेट किया जाना चाहिए, उपकरणों को केंद्र से ऊपर सेट किया जाना चाहिए, उपकरणों को ठीक केंद्र पर सेट किया जाना चाहिए, उपकरणों को केंद्र के पास सेट किया जाना चाहिए। तो हम जब टेपर टर्निंग और बोरिंग करते हैं तो वहाँ जो उपकरणों को ठीक केंद्र में सेट करना चाहिए, ऑप्शन जो है सी हो जाएगी। नहीं, द टूल शाउल बी सेट एग्जैक्टली एट द सेंटर, यानी ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फॉर टर्निंग लेंथली, फॉर टर्निंग लेंथी टैप्स विथ ए स्मॉल टेपर एंगल द मेथड ऑफ टेपर टर्निंग इम्प्लाइड इज, यानी छोटी टेपर कौन वाली लंबी टेपर की बर्तन के लिए प्रयुक्त टेपर बर्तन का तरीका है। मैं आपको बताना है कि हमको कोई छोटी टेपर कौन वाली लंबी टेपरों का जो है टर्निंग करना है। तो इसके लिए जो प्रयुक्त जो है टर्निंग का तरीका करेंगे तो वो उसका जो है टर्निंग किस प्रकार से करेंगे, तो हम जो है टेल अपसेट करेंगे। वहाँ टेल अपसेटिंग द टेल स्टॉक, यानी टेल स्टॉक को अपसेट करके जो है हमें छोटी टेपर कौन वाली लंबी टेपर का जो है टर्निंग करेंगे, तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है समान कर्तन वेग के लिए छोटे व्यास वाले प्रवेदनों की तुलना में बड़े व्यास वाले प्रवेदनों की आरपीएम क्या होगी। यानी आपको बताना है फॉर द सेम कटिंग स्पीड लार्जर डायमीटर ड्रिल्स विल हैव ए डॉट आरपीएम कंपेयर्ड टू स्मॉलर डायमीटर ड्रिल्स। यानी हमारा जो है कटिंग स्पीड जो है समान है और वो हमें क्या करना है कि एक जो है छोटे व्यास वाले, एक छोटे व्यास वाले जो है ड्रिल, छोटे व्यास वाले ड्रिल है और एक जो है बड़े व्यास वाले ड्रिल है। तो इसके लिए जो है मतलब इसका इसका डाया जो है इसका एक एक का स्मॉल डाया है और एक का जो है लार्जर डाया है। तो इसके लिए जो लार्जर डाया वाला का जो हम आरपीएम रखेंगे स्मॉल के तुलना में क्या रखेंगे, वहाँ हम जो है कम रखेंगे। तो यही चीज पूछा गया है। देखिए हमारा जो डाया होता है और आरपीएम होता है, यानी डायमीटर होता है जो आरपीएम होता है, अगर हमारा डायमीटर अगर इंक्रीज होगा तो आरपीएम जो है डिक्रीज होगा। अगर हमारा आरपीएम अगर जो है इंक्रीज होगा तो हमारा डायमीटर जो है वह डिक्रीज होगा। तो ये चीज़ें जो है क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ जो है कम हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, एकमी थ्रेड का पार्श्व के बीच का कोण क्या है ना, द एंगल बिटवीन द फ्लैंक्स इन द एकमी थ्रेड। एकमी थ्रेड का जो एंगल एंगल होता है वो कितना होता है, वो 29 डिग्री होता है, 29 डिग्री होता है। ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक बाह्य सूक्ष्मापी का न्यूनतम मापांक 0.01 मिलीमीटर है और सूक्ष्म का परास जो है 75 से 100 मिलीमीटर तक है, बैरल का पाठ्यांक 15.50 मिलीमीटर, दसवां अनुसार अंगुसताना अंकांशन बैरल के आधार लाइन के संपात है, तो पाठ्यांक क्या होगा। तो देखिए हिंदी पे ध्यान नहीं देना है, नहीं तो फिर जो है ऐसे समझ में नहीं आएगा। द लिस्ट काउंट ऑफ द आउटसाइड माइक्रोमीटर, यानी 0.01 mm, यानी एक आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट है वह कितना है, 0.01 mm है। द रेंज ऑफ द माइक्रोमीटर इज 75 to 100 mm, यानी जो माइक्रोमीटर का जो रेंज है, यानी माइक्रोमीटर का जो रेंज दिया गया है वह 75 से लेकर कितना दिया गया है कि 100 मीटर रेंज वाली माइक्रोमीटर है। द बैरल रीडिंग इज जो है 15.50, यानी जो बैरल का जो रीडिंग है वो कितना दिया गया है, वह जो है 15.50 दिया गया है। एंड द 10 थिम्बल डिग्रेजुएशन कंसिडर्स विद द बैरल डटम लाइन द रीडिंग इज, यानी बताया जा रहा है कि उसका जो बैरल का रीडिंग है वो 15 पॉइंट
कितना है, 50 mm है, और हमारा जो है 10वां थिम्बेल जो है ग्रेजुएशन से मैच कर रहा है, तो उस टाइम जो है हमारा रीडिंग जो है क्या होगा। तो देखिए एक 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 एम एच डी बराबर होता है 1 mm, तो 15.50 mm बराबर इतना हो जाएगा, और एक जो है थंबनेल डिवीजन बराबर कितना होता है 0.01 mm, जो कि लिस्ट काउंट में दिया गया है, तो हमारा कितना 10वां मैच कर रहा है, हाँ 10वां थिम्बेल मैच कर रहा है। तो अगर हम 10 को 0.01 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ उस टाइम जो हमारा आ जाएगा वह हमारा आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। तो यहाँ जब हम ऐड कर देंगे 0.1 तो यह हमारा निकल के कितना आ जाएगा, यानी 15.6, यानी 15 जो है 60 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है ए में मिल जाता है, यह सही हो जाएगा। तो आप जो है ध्यान से मेरी बातों को सुन लीजिए, क्योंकि हल्का सा जो है माउस से लिखने में सही से नहीं बन रहा है, तो यहाँ जो है क्लियर हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरी दंत थ्रेड में थ्रेड का रूप है, द फॉर्म ऑफ थ्रेड इन ए सॉटूथ थ्रेड इज, यानी आरी का दंत थ्रेड में थ्रेड का रूप है, तो ये इसका जो आंसर सही आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, यानी जो है एक पक्ष में 3 degree और दूसरी पक्ष में जो है 30 degree, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टेपर पिन में, टेपर पिन रिमर में टेपर होता है, यानी आपको बताना है कि टेपर पिन में रिमर क्या होता है, क्या हुआ 20 में एक होता है, 75 में एक होता है, 100 में एक होता है, या फिर 50 में एक होता है। तो टेपर पिन में जो टेपर रिमर होता है वह कितना होता है, 1:50 में होता है, यानी 50 में जो है एक होता है, तो ऑप्शन जो है 20 सही हो जाएगा। और जो है एक एक अनुपात जो है 100 जो टेपर होता है किसका किसका होता है, प्लान टेपर और जीब हेड का, यहाँ जैसे ये है ये प्लान टेपर और जो है जीब हेड टेपर का अनुपात होता है। चलिए ये चीजें भी क्लियर होना चाहिए। 12 mm व्यास के रिमर का मृदु इस्पात पर एक छिद्र बनाना है, अगर अवाम 0.3 mm और जो है अति अवाम 0.5 mm, तो रिमिंग से पहले छिद्र प्रवेधन के लिए प्रवेधन का व्यास कितना होगा। ने आपको बताया कि ए होल टू बी ए मेड ऑफ द माइल्ड स्टील विद द 12 mm डायमीटर रिमर इफ द अंडर साइज ऑफ 0.3 mm एंड इफ द ओवर साइज 0.5 व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ द ड्रिल फॉर ड्रिलिंग द होल बिफोर रिमिंग। ने आपको बताना, आपको जो है आरडीएस फाइंड करना है, यानी रिमर ड्रिल साइज, इसके लिए जो सिंपल फार्मूला होता है आरडीएस बराबर जो सिंपल फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है रिमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज, तो इसे ब्रैकेट बंद कर ले, तो ये जो है आपका फॉर्मूला आता है, यानी जो है आरडीएस ने रिमर साइज, जो रिमर साइज निकालना है, यहाँ रिमर साइज जो फॉर्मूला होता है रिमर ड्रिल साइज बराबर रिमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज, तो हमारा जो है रिमर साइज कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है 12 mm दिया गया है, और अंडर साइज हमारा कितना दिया गया है, अंडर साइज जो हमारा दिया गया है 0.3, माइनस कर लेंगे 0.3, और हमारा जो ओवर साइज दिया गया है ओवर साइज कितना दिया 0.05। आप जब आप इसको सिंपली ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.35, तो 12 में इसको अगर माइनस कर लेंगे तो वहाँ आंसर निकल के आ जाता है 11.65, तो ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो ये मैथ के प्रश्न मिल जाते हैं, तो इसका जो आंसर जो है 20 हो जाएगा, आपको जो सारे पीडीएफ में आंसर इसका मिल जाएगा, तो इसके लिए सोचने वाली बात नहीं है आपसे सिंपली, क्योंकि अगर मैथ का भी डिस्कशन करने लेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, तप्त जल में एनोडिक भागों को निमाजित करने की प्रक्रिया को डॉट डॉट कहते हैं, यानी द प्रोसेस ऑफ द डिपिंग एनोडाइजिंग पार्ट्स ऑफ द हॉट वाटर इज नॉइज, तो इसके लिए इसको जो इसे जो कहते हैं इसे क्या कहते हैं, सीलिंग कहते हैं। जब हम जो है गर्म जल में एनोडिक भागों को जो है
एनोडाइज करते हैं तो इसको जो है क्या कहते हैं, इसे सीलिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक विलोपन का उदाहरण है? तो कौन सा हो जाएगा, जिंक जो है, जिंक क्रोमेट प्रेमर, यानी प्राइमर जो है, जिंक क्रोमेट प्राइमर जो है, या अकार्बनिक विलोपन का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए इनऑर्गेनिक कोटिंग? तो इन ऑर्गेनिक कोटिंग का उदाहरण है यशत क्रोमेट प्राइमर। तो ये चीजें क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पदार्थ की परास्रव परीक्षण व्यास निर्धारण के लिए क्या आता है? अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज डन इन मटेरियल ऑफ ए डायमीटर, ने जो अल्ट्रासोनिक जो है यानी परास्रव परीक्षण किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? तो सतह के नीचे जो है दरारों का पता करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। अगला है, हीरक के बाद उपलब्ध सबसे कठोर टूल पदार्थ कौन था? द हार्डन टूल मटेरियल अवेलेबल नेक्स्ट टू डायमंड इज, ने जो है डायमंड के बाद जो है अगला जो है वह कठोर पदार्थ कौन होता है? तो हमारा क्यूबिक ब्रोनेटराइट हो जाता है। ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जब टूल को गेंद के नीचे सेट किया जाता है तो व्हेन ए टूल इज सेट, पूछिएगा, जब टूल को केंद्र के नीचे सेट किया जाता है तो विल द टूल इज सेट बिलो ऑफ द सेंटर, तो उस टाइम क्या होता है? तो ये मान के चलिए यहाँ जो टूल को हम केंद्र के नीचे अगर सेट करेंगे, ये हमारा केंद्र है, तो उस टाइम क्या होगा? तो उस टाइम जो हमारा क्या होता है, उस टाइम जो है अगर टूल यहाँ हमारा मेरा जो कटिंग टूल है ये यहाँ लगा हुआ है, ऐसे यहाँ लगा हुआ, ये हमारा केंद्र है और हमारा कटिंग टूल यहाँ लगा हुआ, तो इस टाइम क्या होता है? उस टाइम जो हमारा रेक कोण है वह निगेटिव हो जाता है और जो क्लियरेंस एंगल है वह पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ आपको ऑप्शन में मिल जाता है, डी में मिल जाता है कि आपका जो है टॉप रेक एंगल बिकम निगेटिव, यानी जो है शिखर रेकन कोण जो है ऋणात्मक हो जाता है, रेक कोण हमारा ऋणात्मक हो जाता है और क्लियरेंस एंगल पॉजिटिव हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है तो मैथ का है, इसे फाइंड आउट कर लेंगे। साधारण प्रविधि कार्य के लिए जो प्रयुक्त प्रवेदन होता है, यानी द टाइप ऑफ ड्रिल यूज द जनरल पर्पस ड्रिलिंग वर्क, यानी जो है नॉर्मल कार के लिए, यानी जनरल पर्पस के लिए क्या, तो हम जो है नॉर्मल टाइप का ड्रिल का प्रयोग करेंगे। जैसे नाम से एन प्रकार का, एच जो है हार्ड हार्ड मटेरियल के करते हैं और जो एच जो है सॉफ्ट मटेरियल के लिए। इसके लिए इसका जो है हेलिक्स एंगल पूछा जाता है जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो हार्ड मटेरियल के लिए जो हेलिक्स एंगल होता है वह कितना होता है? 10 से 13 डिग्री होता है, 10 से 13 डिग्री। और एन टाइप के लिए जो हेलिक्स एंगल होता है वह होता है हमारा 16 से 30 डिग्री होता है। और फिर जो है एस प्रकार के लिए होता है वहाँ हम जो है 35 से 40 डिग्री हेलिक्स एंगल रखते हैं। ये चीजें भी क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न, लेथ डॉग को डॉट डॉट प्रयुक्त किया जाता है, यानी ए लेथ डॉग इज यूज फॉर, तो लेथ डॉग का प्रयोग जो है किसके लिए करते हैं? तो हम जो लेड डॉग का प्रयोग करते हैं केंद्रों के बीच जो है वर्तन के दौरान कार्य करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, अगर एक आईएसओ मीट्रिक चूड़ी का मुख्य व्यास 6 मीटर है और पिच 1 मीटर है तो टेप प्रवेधन में अधिस्थापित व्यास होगा। इन इंग्लिश देख लेते हैं, इफ द मेजर डायमीटर ऑफ ए आईएसओ मीट्रिक थ्रेड 6 mm एंड द पिच ऑफ 1 mm थ्रेड रिकमेंडेड टेप ड्रिल डायमीटर, यानी आपको टेप ड्रिल डायमीटर पूछा है, तो जो आपका जो पिच दिया हुआ है सिंपली आप जो है व्यास में पिच को माइनस कर देंगे तो आपका जो है ड्रिल डायमीटर निकल जाएगा, तो यहाँ सिंपली 5 आ जाएगा, तो आपका आंसर जो है 5 हो जाएगा। अगला है, टेपर शैंक प्रवेधन का वह भाग जो प्रवेधन मशीन तुर्क के खांचे में फिट होता है, द पार्ट्स ऑफ द टेपर शैंक ड्रिल विच फिट्स इनटू द स्लॉट इज ए ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल इज कॉल्ड, यानी ड्रिल मशीन के स्पिंडल में जो ड्रिल का कौन सा पार्ट सेट होता है? तो वह जो है शैंक वाला पार्ट सेट होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लंबाई की SI यूनिट क्या होता है? तो लंबाई का जो होता है मीटर हो जाता है। इंजीनियर स्पार्क रूल का अल्पतमांक कितना होता है? लीस्ट काउंट ऑफ ए इंजीनियर स्टील रूल, तो इसका जो लीस्ट काउंट होता है वह कितना होता है? 0.5 mm हो जाता है, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। मृदु इस्पात के लिए वशिष्ठ घनत्व कितना होता है? वह 7.8 हो जाता है। और एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम के लिए जो है 2.7 हो जाता है, ये एल्युमिनियम के लिए होता है और यह जो है माइल्ड स्टील के लिए हो जाता है। अगला प्रश्न, धातु की प्रघात और संघट को सहन करने की क्षमता की को डॉट कहते हैं, डॉट डॉट कहते हैं, द एबिलिटी ऑफ द मेटल ऑफ द ए विथ स्टैंड शॉक एंड इंपैक्ट, यानी जो है प्रघात और आघात को सहन करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम जो है टफनेस कहते हैं, यानी चर्मलता कहते हैं। अगला है, एक साधारण उद्देश्य वेधन बिट का जो बिंदु कोण होता है वो कितना होता है? द पॉइंट एंगल इन द जनरल पर्पस ऑफ ड्रिल बिट, ड्रिल का जो जनरल पर्पस के लिए जो पॉइंट एंगल रखते हो कितना रखता है? 180
18 डिग्री रहते हैं। अलग अलग मटेरियल के लिए जो है अलग अलग रखते हैं, जैसे कोई हार्ड मटेरियल है उसके लिए अधिक रखते हैं, और कोई सॉफ्ट मटेरियल है तो उसके लिए जो है कम रखते हैं। तो जो नॉर्मल वर्क के लिए रखते हैं वो 118 डिग्री रखते हैं। अगला प्रश्न है, वेदन चक्रों के वेदन यंत्र तुर्क में डॉट डॉट के जरिए फिट किया जाता है, यानी ड्रिल चक आर फिटेड ऑन द ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल बाय मीन्स ऑफ, ड्रिल चक को जो है ड्रिल में किसके द्वारा जो है सेट करते हैं, तो वो हम जो है आरबार के माध्यम से सेट करते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, अगला प्रश्न है, इफ ए थ्रेड द डिजाइनेड एज द M12 एन इंटू 1.25 डिजाइन, आपको बताना है कि जो है 1.25 ये यानी जो है यह दिया गया है 1.25, यहाँ 1.25 क्या दर्शाता है। तो ये जो एम है हमारा मीट्रिक थ्रेड को दर्शाता है, और 1.25 जो है हमारा जो है डायमीटर को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए में ही मिल जाता है। क्या पूछा गया है कि कर्तन के दौरान पदार्थ के ऊपर कर्तन कोर के चलने का वेग को कहते हैं, यानी जो है द स्पीड एट विच ऑफ द कटिंग एज पैसे पासेस ओवर द मटेरियल व्हिल द कटिंग इज नॉइज, यानी पूछा गया कि कर्तन के दौरान जो पदार्थ के ऊपर जो है जब कर्तन कौन चलने का जो स्पीड वेग होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो हम कटिंग स्पीड कहते हैं। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहले परिवेधित छिद्र को बहुबिंदु कर्तन उपकरण के द्वारा यथार्थ आकार में बढ़ाने और परिष्करण करने की क्रिया को क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ ए इनलार्जिंग एंड द फिनिशिंग प्रोविजली ड्रिलेड होल्स एक्यूरेट साइज यूजिंग ऑफ ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, उस मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का नाम क्या है जो कि हल्का सा इनलार्ज भी करता है और होल को फिनिशिंग भी करता है। तो वह जो हमारा किसके द्वारा किस टूल के द्वारा करते हैं, तो वो रिमिंग के द्वारा करते हैं, यानी छिद्रवर्धन रिमिंग के द्वारा। तो ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। मीट्रिक थ्रेड में थ्रेड का कोण कितना होता है, तो वहाँ मीट्रिक थ्रेड में थ्रेड का कोण होता है कितना होता है, 60 डिग्री होता है। बाह्य चोरी के कर्तन के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है, यानी जो हम जब एक्सटर्नल थ्रेड काटते हैं उसके लिए जो हम डाई का प्रयोग करते हैं, इंटरनल के लिए जो है टेप का प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों चीजें जो है क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक हस्त टेप के सेंग में तीन वलय आकृति है, वह एक है, नहीं बोल रहा है कि एक है, देखिए हमारा हैंड टेप जो है वह तीन प्रकार से होता है। पहला हमारा हैंड टेप होता है, एक होता है कि टेपर टेप होता है, एक होता है बॉटमिंग सॉरी इंटरमीडिएट टेप होता है इंटरमीडिएट, और तीसरा होता है बॉटमिंग टेप, इसे प्लग टेप या फिर फिनिशर टेप भी कहते हैं। तो हमारा जो टेपर टेप में होता है वहाँ एक रिंग होता है, और जो इंटरमीडिएट में होता है वहाँ जो होता है तीन दो रिंग होता है, और बॉटमिंग प्लग टेप फिनिशर टेप में जो होता है वहाँ होता है तीन रिंग होता है। इस प्रकार से यानी इसके सेंग पे जो है रिंग दर्शाया जाता है, इसी के आधार पे जो है हम लोग पहचानते हैं, अगर तीन रिंग है तो यह हमारा कौन सा टेप है, तो यह जो हमारा हो जाता है बॉटमिंग टेप हो जाता है, अगर दो रिंग है तो यह हमारा इंटरमीडिएट टेप है, एक रिंग है तो यह हमारा जो है टेपर टेप है। तो यह पूछा गया द सेंग ऑफ द हैंड टेप इज ए थ्री रिंग्स मार्केड ऑन, तो मतलब बताया जा रहा है कि तीन रिंग जो है अंकित है उसके जो है सेंग पर, तो वो जो है कौन सा होगा, तो जैसे मैं था ये हो जाएगा बॉटमिंग टेप, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, तो जैसे कि इसरो का जो प्रीवियस है जितने भी क्वेश्चन है सारे का डिस्कशन करेंगे, तकरीबन 25 से 30 सेट है, और आगे भी वीडियो इसी तरह हर रोज मिलता रहेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है साथ में चैनल को वीडियो को जो है शेयर करना ना भूलें। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।